फ्रेंड्स आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे सॉन्ग राइटर है एक ऐसे लिरिसिस्ट है जिनकी स्ट्रगल दस साल से चल रही है अ डेकेड लॉन्ग स्ट्रगल इन दस सालों में इन्होंने कई फिल्मों के गाने लिखे हैं लेकिन फिर भी ही वुड स्टिल बी टर्म्ड अ स्ट्रगलिंग लिरिसिस्ट बिकॉज इन्हें जो क्रेडिट मिलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिली आइए पूछते हैं क्यों कैसे ये स्ट्रगल अभी भी बरकरार है और क्या इनके दिमाग में दिल में बातें चलती है फ्रेंड्स प्लीज वेलकम प्रशांत इंगोले प्रशांत वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस थैंक यू सर मैंने सही कहा अभी भी आपको एक स्ट्रगलर ही माना जाए uh, मुझे लगता है कि एवरीडे वी स्ट्रगल एंड आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट 10 इयर्स मुझे ऐसा लगता है कि एवरीडे वी कीप ऑन स्ट्रगलिंग एंड इफ वी गिव अप द स्ट्रगल देन वी आर नो मोर सो आई थिंक आई वुड लव टू बी अ स्ट्रगलर टिल द एंड आई कीप ऑन राइटिंग गाने लिखने का शौक कब से चढ़ा कुछ uh, 13 साल पहले 2001 इफ आई रिमेंबर मैं चार चार लाइनें लिखता था टू माय फ्रेंड्स टू माय फ्रेंड्स गर्ल फ्रेंड्स एंड ऑल तो एवरीबडी स्टार्टेड टेलिंग मी लाइक आई थिंक यू राइट सो वेल एंड यू शुड यू नो लाइक एंड दे वॉज समबड़ी हु टोल्ड मी यू नो लॉन्ग टाइम बैक इन टू थाउजेंड वन दैट आई थिंक यू शुड परस्यू इट एज अ प्रोफेशन सो वो चीज़ बैठ गई दिमाग में तो सिंस टू थाउजेंड वन आई हैड दैट इन माई माइंड बट आई नेवर स्टार्टेड इट अंटिल टू थाउजेंड फोर वेन आई बिगैन आई सेट लाइक आई हैव टू गो टू बॉम्बे एंड यू नो तो so आप कहाँ से हैं में में और Pune में क्या करते थे 2004 से पहले? Initially, uh, मैं जॉब करता था आई वॉज वर्किंग उसके बाद आई मूव टू मुंबई और वहाँ पे इंटेलनेट में जॉब करता था मैं कलेक्शन एजेंट अच्छा और मुंबई इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि आपको बॉलीवुड में yes. आना था, एंड ऑफ टू थाउजेंड फोर आई लॉस माई डैड सो आई हैड टू मूव बैक टू पुणे बिकॉज आई हैव माई टू यंगर सिस्टर्स एंड मॉम तो एंड सिक्योरिटी बिजनेस इन पुणे तो उसी वजह से पुणा वापिस जाना पड़ा और फिर आपको ऐसा लगा कि आपका सपना पूरा नहीं होगा बॉलीवुड तब तब का ब्रेक नहीं मिला था या ब्रेक मिल गया था नहीं सर ओके okay. तभी ब्रेक नहीं मिला था और मुझे गिल्ट फीलिंग आने लगी थी वॉज नॉट देर विद माई डैड हीस तो आई वेन देर आई लेफ्ट राइटिंग कम्प्लीटली फॉर वन ईयर ऑलमोस्ट मैंने छोड़ ही दिया मैंने बोला यार फिल्म के बारे में सोचना ही नहीं है देन आई थिंक गॉड वॉन्टेड मी टू बी हेयर सो फ्रेंड ऑफ माइन अ अरेंजर उसने बोला यार यू राइट सो वेल यू समाज यू कम्पोज एज वेल तो क्यों ना तू एक एटलीस्ट पियानो क्लासेस ज्वाइन कर ले तो आई सेड मै मॉम एंड ऑल पुष्ट मी एंड फिर मैंने एक पियानो क्लासेस लगाया जहाँ पर मैं सीखता था वहाँ पे द ओनर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट हर ब्रदर वॉज अ प्रोड्यूसर इन मुंबई क्या नाम मिस्टर लखी शर्मा जिन्होंने वो मूवी बनाई थी पद्मश्री लालू प्रसाद यादव एंड ही इज अ बिग टाइम ओल्ड वेटरन इन द इंडस्ट्री सो शी आई डोट नो हाउ इट है मीटिंग आई केम हियर टू बॉम्बे इट एक्साइटेड फ्यू ऑफ माई सॉन्ग्स इन फ्रंट ऑफ पंच ऑफ पीपल एंड आई वज लाइक यंग किड दोंग एंड देस इड लाइक यू आर राइटिंग दिस फिल्म

मैंने बोला नहीं अभी फिर से शुरू करना है एंड माई मॉम एंड आपकी मम्मी और सिस्टर्स अभी भी पुणे में है और उस समय भी भी पुणे में थी या वो भी बॉम्बे नहीं नहीं वो पुणे में ही है अच्छा। एक सिस्टर की शादी हो गई सिक्स okay. और दूसरी छोटी बहन और मम्मी पुणा में रहते। अच्छा। तो फिर आप मुंबई बैग गए या वापस पुणे चले गए तभी सर मैं पुणे चला गया था और ये सब सीन हुआ फिर उसके बाद डैडी का बिजनेस संभालता था मैं सिक्योरिटीज़ का पुणे में वी हैव मेजर कॉलेजेस इन ऑल इन पुणे तो ये संभालते संभालते ऐसा हो गया कि आई थॉट आई वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी एनीवेज़ तो मैंने बोला यार एक कुछ जॉब करते हैं तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कंपनी कॉल हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड आई वॉज हैंडलिंग द अमेरिकन एयर अच्छा और uh, उसमें आई वर्क फॉर सिक्स एटीन मंथ्स और एज अ क्रेडिट एनालिस्ट वो जॉब करते करते माई मैनेजर्स वे सो गुड दैट एवरी फ्राइडे आई हूस टू लीव ऑली मैं मेरे शिफ्ट थी सात बजे से ले शाम को सुबह चार बजे तक तो मैं एवरी फ्राइडे को क्या करता था मैं चार बजे चला जाता था शाम को ऑफिस को एंड आई हिस्स टू लीव एट इलेवन थर्टी ट्वेल्व और आके सो जाता था और सुबह साढ़े पाँच छः बजे बॉम्बे निकल आता था एंड आई टू स्पेंड सैटरडे संडे हेयर एज अ पी जी और मंडे को आफ्टरनून में निकलता था आई एस टू गो होम इमिजिएटली चेंज एंड गो टू ऑफिस आई डिड दैट फॉर वन एंड हाफ ईयर डेढ़ साल तक आप हर हफ्ते हर ऐसे अप डाउन करते रहे सिर्फ काम खोजने के लिए सिर्फ वहाँ से वीकली मैं फ़ोन करता था फॉर म्यूजिशियंस एंड ऑल मैं बोलता था कि सर कैन वी मीट आई टू प्रेजेंट माई सॉन्ग्स और ऐसा हुआ कि कई म्यूजिशियंस ऐसे हैं बड़े बड़े लोग एंड आई ओनली टारगेटेड गुड पीपल पैशनेट एंड डूइंग गुड म्यूजिक तो ढाई ढाई साल तक मैं उनको फॉलो करता रहा कॉल पे आई डेंट मीट एंड वेनवर आई मेट देम आई गॉट मिनट्स और थ्री मिनट्स आई मीन लाइक इट वॉज इट वॉज समेढ़ साल वो सिलसिला चला फिर बाद में मैंने बोला नहीं यार अभी तो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए आपने हिम्मत नहीं छोड़ी कि प्रॉबली ये पॉसिबल नहीं होगा मुंबई पुणे वाली एक्सरसाइज नहीं पॉसिबिलिटी का तो कभी ख्याल ही नहीं आया आई डोट नो वाई फ्रॉम वेर इट के एम द एनर्जी एंड स्पेशली मैं सिस्टर नम्रता हु इज़ वेरी यंगेस्ट एंड वो कभी कभी मुझे मैं सो जाता था तो बोलती थी अरे तू सो गए नी वॉज जस्ट लाइक माई डैड बिकॉज लॉन्ग टाइम बैक वैन आई वॉज ट्राइंग फॉर अमी वॉट इज दैट शॉर्ट सर्विस कमीशन सो डैड इज टू वेट मे आप फाइव ओ क्लॉक एंड आस्ट मी टू रन फाइव किलोमीटर्स तो शी वॉज लाइक दैट कि नहीं छः बजे उठना है अभी तू जाना है बॉम्बे तो समटाइम्स वंस इन अ ब्लू मून मुझे आला सा आता था

दे न्यू एंड दे दे दैट दैट एंड रीजन कोऑपरेटेड क्योंकि किसी को अलाउड नहीं था ग्यारह बजे रात को निकलना ऑफिस से और एवरी फ्राइडे आई टू गो uh -huh. और मेरे ब... आपने आ, आ, अपनी लिखी कविताएं और सॉन्ग्स सुनाए थे उनको हाँ हाँ सुनाता था मैं ऐसे ही हम लोग जब रात को बैठते थे तो थोड़ी महफिल जमती थी प्रैश एक गाना सुना दे यार uh -huh. तो ऐसे ही करता था और तभी मैंने एक फिल्म लिखी थी ऑल द बेस्ट उसमें एक छोटा गाना उस दौरान ही लिखी उसी दौरान ओके वहाँ से ही आया था मैं और मुझे स्पेशली बुलाया गया था खंडाला में रिकॉर्ड सिटिंग था तब वहाँ पे वो गाना लिखा था मैंने मैं एक गाना था रॉक रॉक स्टार करके जो गाना फिल्म में था अनफॉर्चुनेटली क्रेडिट नहीं था मेरा आपको तो, क्रेडिट नहीं दिया क्रेडिट I ne I just asked but uh, credit नहीं मिला I got paid मगर uh, credit था ही नहीं फिल्म में नहीं। फिल्म में गाना था सीडी में गाना नहीं था तो क्रेडिट एनालिस्ट ने एनालाइज किया कि क्रेडिट क्यों नहीं मिला क्या पता <laughs> मैंने बोला यार क्या पता <laughs> नसीब तो वैसे भी मेरा बुरा है शायद तो वैसे हो आ हुआ रहे है। <laughs> अच्छा लेकिन पेमेंट दिया दे पेड तो मतलब ओवरसाइड की वजह से रह गया होगा शायद विच इज ऑफ कोर्स विच इज नॉट टू से इट्स ओके बट

फिर कुणाल खेमू की एक मूवी आ रही थी सुपर स्टार करके <laughs> अष्टविनायक अष्टविनायक जी तो उसका टाइटल ट्रैक प्रीतम के लिए था वापस तो प्रीतम इज अ स्वीट एंड टैलेंटेड म्यूजिशियन तो उनके लिए और एक गाना किया टाइटल ट्रैक शान सैंग दीबी वॉज हैप्पी किड रोहित जुगराज जो डायरेक्टर हैप्पी एंड तीन दिन शूट पे थे शायद सब रेडी हो गया था कैंसिल हो गया गाना गाना ही कैंसिल हो गया दे कैंसिल द सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म सो इट वॉज लाइक तब भी आप टूटे नहीं 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 मैं मैं बोला यार यह क्या हो रहा है आई I mean like, like uh, like, मीन लाइक इवन लाइक आई वुड से मार्च ऑफ दिस ईयर आई कीप ऑन गेटिंग सच सरप्राइजेस बट आई से लाइक मे बी ब्यूटिफुल सरप्राइजेस विच मेक मी स्ट्रॉन्ग राधा मुझे लगता है कि आई थैंक गॉड कि जो मैं छः साल पहले लिखता था और मैं जब पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है नहीं यार आज मैं थोड़ा सुलझा हुआ हूँ

एंड लकीली लिया अमित त्रिवेदी का म्यूजिक था अनफॉर्चुनेटली अगेन द सॉन्ग है टाइटल ऑफ द सॉन्ग ओज बॉम्बे बॉम्बे और तभी बॉम्बे और मुंबई का प्रॉब्लम शुरू हो गया था मेकअप सीट निकली थी वहाँ पर एक बड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी हो गया था तो गाना ही प्रमोट नहीं हुआ ज़्यादा बट दिस वेरी वेल एंड चंदन वॉज लाइक वी वील लाइक वी कनेक्टेड वेरी वेल तो वो गाना मेरा था ही नहीं किसी और ने लिखा था उसका गाना बाउंस हो गया था

वैन आई वॉज गेटिंग प्रमोटेड एंड आई खेम टू मुंबई विद आई हैड अराउंड एट्टी एटी फाइव थाउजेंड इन माई अकाउंट सेव्ड मुंबई आया मैं बोला यार अभी छः महीना करते हैं छः महीने में हो जाएगा तो वेरी ऑप्टोमिस्टिक तो मैं यहाँ पर आया एन थिंग्स स्टार्टेड छः सात महीने में पैसे ख़त्म अब बोले यार अभी क्या करें तो कैसे तो एक दो प्रोजेक्ट्स मिले गए थिंग्स मूव डॉन और आई स्टिल रिमेंबर इन डिसम्बर आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोक फर्स्ट इन वन वन बी एच के तो मैं सोच रहा था यार अभी क्या होगा एंड देन इवेंचुअली आई जस्ट आई जस्ट स्पोक टू माई सिस्टर आई लाइक अभी कुछ यू नो आई जस्ट नीड मे बी समेर अराउंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड सो आई कैन सस्टेन फॉर वन मोर इयर नाउ आई डो वॉन्ट कम बैक टू पुणे एनी वेज एंटिल आई विन द बैटल तो मैन है क्राई लिटरली तो एक्चुअली एक्चुअली एंड फिर माई मैनेज कॉल मी

सो आई डोंट यू कम बैक टू पुणे आई कैन कम तो सेफ यूट सेन बॉम्बे एंड इफ यू डू जॉब वॉट डू यू थिंक यू वु यार फर्स्ट थिंग आई वुड वॉन्ट अ लैपटॉप आई डोंट है इंटरनेट कनेक्शन इंड मे बी अ फोन सो एंड आई कैन मूव आउट ऑफ बॉम्बे एंड आई है फ्राम होम तो बोला यार बहुत बड़े कंडीशंस रख दे तू

These were the people who were my target. I wanted to work with these people. I don't know. I, I never knew why was I. But I thought like, I don't want to be the cliche in the you know in the rat race. Now also in future, if I get work, I want to do four to five films in a year, just good classy peop work like. गुलजारावेद अख्तर साहब फॉर सो भले दस और पंद्रह ना करें करे, मगर चार ऐसी हो लोग याद हर गाना सुनने के बाद लोग बोले यार आई इट कनेक्ट टू मी या फिर कुछ नयापन हो उसमें फिर भी अब तक भी कोई एक बड़ा गाना जो है वो आप, आपके हाथ नहीं आया है जरा का मिलाशा बासुशा बासु वाली उसमें आधा गाना था

एक और छोटी फिल्म आई थी मुंबई मस्त कलंदर करके mm -hmm. जिसमें एक पार्टी सॉन्ग लिखा था मैंने स्लॉस्ट कर mm -hmm. नीरज श्रीधर ने गाया था अगेन दैट सॉन्ग डेंट वॉज फिर देन केम स्ट्राइकर स्ट्राइकर में गाना था तो मुझे लगा चलो यार अभी तो हो गया बट अमित अमित्रिवी देन ही वॉज नॉट बिग बिग नेम एंड ही वॉज लाइक बट ब्रिलियंटली टैलेंटेड म्यूजिशियन एंड नो डाउट एंड ही हैज प्रोवन इट तो आई आई डेंट थिंक ये कहाँ जाएगा नहीं जाएगा बट वी वे वेरी गुड फ्रेंड्स देन एंड आई वॉन्टेड टू वर्क बिकॉज हिस् सेंसिबिलिटीज़ एंड हमारा दोनों का मैच होता था तो स्ट्राइकर आई तो गाना नहीं चला बट इट वॉज ऑन यू के टॉप टेन इंडिया में नहीं चला बट इन यू के इट वॉज ऑन टॉप टेन तो वो चला गया फिर आई थिंक दो तीन साल बीच में ऐसे ही चले गए स्ट्रगल में तो आई वेंट टू पुणे बैक फिर ढाई साल में पुणा मुंबई करता था हफ्ते में तीन बार आता था मैं तीन चार बार जब भी मीटिंग्स हो आई टू कम मीट एंड गो कम मीट एंड गो आई डिड दैट फॉर टू एंड हाफ थ्री इयर्स कंटिन्यूसली एंड फाइनली आई गॉट रेस टू जहाँ पे पार्टी ऑन माई माइंड जो मुझे पता ही नहीं था अगेन गॉड प्लेड हिज ट्रिक मैं एक दूसरा ही गाना लिखने गया था प्रीतम ने बुलाया था एंड uh, जब मैं वहाँ पे गया तो दो घंटा मैंने गाने लिखे और गाना लिख के तीन बज के दस मिनट हो गए थे आई स्टिल रिमेंबर मैंने बोला टू इज मैनेज आई एल गो नाउ आई टू लीव तो दो ऑप्शन लिख के दे दिए थे मैंने तो प्रीतम ने मुझे बुलाया बोला कि प्रशांत और एक गाना लिखना प्लीज आई सेड नहीं आर आई हैड टू कैच अ ट्रेन एट फोर फोर्टी तो मैंने बोला यार अभी इसको कैसे बताऊँ तो मैंने, लग रहा था हाँ तो मैंने बोला कि नहीं आई हैव टू गो फॉर मीटिंग उसने बोला नहीं यार थोड़ा कुछ भी लिख दिया ऐसे एंड ही प्लेड द सॉन्ग and he played the tune and immediately when he finished i said pritham can we use party on my mind there he said it's your song use whatever you want i went and you won't believe in 13 minutes i wrote the eight lines which were approved and got me the song kya baat hai aur wo gana itna bada hit ho gaya party on my mind 20 million hits it was on top aur uske liye credit bhi mila credit bhi mila <laughs> फेम uh, भी मिला आई गॉट मनी एंड यू नो आई गॉट एवरी थिंग फ्रॉम दैट बट उसके बाद भी आपका नाम बहुत सारी फिल्मों में नहीं नज़र आया क्यों uh, इसलिए नज़र नहीं आया क्योंकि अभी मेरी को मारे थी इसलिए आई वॉन्ट टू थैंक वन पर्सन हु इज द दी ऑफ संजय लीला वंसाली संदीप सिंह संदीप ही इज अ वेरी ब्रिलियंट फ्रेंड एंड ही इज द पर्सन हुम आई लुक अप टू एवरी टाइम चार साल तीन साल पहले जब उनसे मैंने पहली, मैं पहली बार मिला था लेसली लुइस की स्टूडियो में जहाँ पे किरण देवन जी अपने डी ओ पी द फेमस डी ओ पी वो और उनकी वाइफ आए थे एंड दे इंट्रोड्यूस मी टू संदीप सेंग लाइक ओ दिस इज अ ब्रिलियंट लिरिसिस्ट एंड यू शुड मीट हिम और संदीप से वैसे ही मिला मैं एंड देन आई वाज राइटिंग सम स्टफ फॉर हिम एंड ही मी एंड लाइक सेइंग प्रशांत ऐसा यू शुड डू दिस इज एंड आई हैड रिटन सम सॉन्ग्स विच ही न्यू दिस गाय कैन प्रूव एंड ही कॉल्ड मी इन टू मार्च एंड ही सर प्रशांत यू शुड गो एंड मी टू मंग ही इज मेकिंग अ ब्रिलियंट फिल्म

मेरी कॉम uh, के बाद मेरी कॉम के बाद आई हैव थ्री मेजर फिल्म्स रिलीजिंग नेक्स्ट सो इट्स लाइक इट्स ऑलरेडी देयर तो अब आपकी मम्मी और आपकी सिस्टर uh, क्या सोचते हैं हम तीनों भी नम हैं हमें तीनों को फील ही नहीं होता बिकॉज ऑफ ऑल सेवन से नाइन ईयर्स हमें फील ही नहीं होता कि कुछ है वी आर लाइक टेकिंग लाइफ जस्ट लाइक दैट वॉट वॉज फाइव अगो एज आई लाइक टू बी स्ट्रगलर वेरी नाइस प्रशांत जी आपकी स्टोरी सुन के ये इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि स्टोरी सुन के ऐसे लगता है कि किसी को भी अपनी मेहनत अपनी लगन छोड़नी नहीं चाहिए एंड स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए बिकॉज जब होना है तब होगा uh, मेरी मम्मी एक चीज़ बोलती है कि uh, वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता so true. एंड एवरी टाइम कुछ भी होता है तो आई थिंक ऑफ दैट लाइफ वक्त तो आपका आ ही गया है और किस्मत आपकी ऐसे चमके कि लोग देखते रह जाए इसी दुआ, दुआ के साथ हम जाने देंगे थैंक थैंक यू सो मच तो दोस्तों ये थे प्रशांत इंगोले रेस टू में आपने इनका गाना सुन लिया इन्जॉय भी किया इट वॉज अ बिग बिग चार्ट बस्टर और अब मेरी कॉम में इनके चार गाने हैं जिसमें से एक गाना तो ऑलरेडी पॉपुलरिटी चार्ट क्लाइम कर चुका है और कर रहा है फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई सजेशन्स हो तो प्लीज डू राइट इन टू आज एट बॉलीवुड बिजनेस एट जी नेटवर्क डॉट कॉम एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन टाइप कीजिए बीबी स्पेस छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव पर यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर एट ई टी सी बॉलीवुड दिस इज कोमल नहाटा बिदिंग यू गुड बाय